हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज बनाऊंगा मैं नूडल क्लियर सूप। तो दोस्तों, मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिया है, कैरेट स्लाइस कट में, मशरूम स्लाइस कट में, ब्रोकली छोटे छोटे क्यूब, पोकछई, ब्लैक फंगस मशरूम और नूडल्स। तो चलो दोस्तों, वेजिटेबल्स को ब्रांच मारते हैं। पानी डाला, कैरेट ऐड किया। कैरेट और ब्रोकली ही हम बॉयल करेंगे, बाकी वेजिटेबल्स हमारा सॉफ्ट वेजिटेबल्स है। और ये हमने ब्रोकली ऐड किया, और इनको ज़्यादा ब्लांच ना करें। और ये हमारा वेजिटेबल्स बॉयल हो चुका है। ऑयल डाला 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून इसमें गार्लिक ऐड करेंगे। गार्लिक को अच्छे से टॉस करेंगे। अब इसमें हम 2 लीटर पानी डालेंगे, और पानी जैसे ही गर्म हो जाएगा इसको छन्नी में छान लेंगे। फिर दोबारा पानी ऐड कर लेंगे कढ़ाई में। अब इसमें डाला हमने ब्लैक फंगस मशरूम और पोकछई नूडल छोड़ के सारा वेजिटेबल्स हमने इसमें ऐड किया। आप देख सकते हैं दोस्तों, और इसमें डाला हमने एरोमेट 1 टेबल स्पून। सॉल्ट 1 टेबल स्पून, 1 पिंच वाइट पेपर, और बढ़िया से हिलाएंगे। कॉर्न फ्लोर डाला, पर कॉर्न फ्लोर थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि नूडल क्लियर सूप है, ज़्यादा थिकनेस सूप में नहीं होनी चाहिए। नूडल ऐड किया, और ऊपर से पोकछई भी ऐड किए। और ये हमारी नूडल की क्लियर सूप दोस्तों तैयार है। आप देख सकते हैं, इसको डालेंगे हम एक बाउल में। आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कैसा लगा? लाइक, कमेंट्स और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये हमारी नूडल क्लियर सूप तैयार है। देख सकते हैं आप दोस्तों।